मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे हो। मेहनत तो कर रहे हो लेकिन अपना हर कार्य समय से नहीं कर पा रहे हो। तो बच्चे, इससे तुम्हें ही नुकसान हो सकता है। लोगों की बातों में आकर खुद को मत भटकाओ, क्योंकि लोगों की बातें तुम्हें दो पल की खुशी देंगी लेकिन तुम्हारी मेहनत और समय से कार्य पूरा होगा तो तुम्हें हमेशा के लिए सफलता मिलेगी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने जीवन में लोगों के साथ मत रहो, लेकिन सबसे पहले अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य समय से पूरा करो। उसके बाद लोगों के साथ वक्त बिताओ, घूमो फिरो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे कार्य में देरी मत होने देना। तुम ये अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे कार्य में समय की कितनी अहम भूमिका है। ये जानते हुए भी तुम कभी कभी भटक जाते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें सही राह दिखाऊंगा बच्चे, और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हर प्रयत्न करूंगा, जिससे तुम्हें तुम्हारी मंजिल की प्राप्ति हो और तुम अपने जीवन में अपार प्रगति हासिल कर सको। और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी खुशियाँ पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हो और तुम्हारे जीवन में बहुत से संघर्ष आए हैं और तुमने उनका हमेशा हंसकर सामना किया है, और चाहे जैसी भी परिस्थिति आए तो तुम हंसते हंसते उसे पार कर लेते हो। इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ बच्चे, और तुम्हारे जीवन से अब इस बुरे समय को समाप्त करने जा रहा हूँ। हाँ बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हें बहुत दुख सहने पड़ रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तो आज से और अभी से तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हें अब और दुख नहीं सहने पड़ेंगे और संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब वो हर सुख मिलेगा, इसलिए तुम्हें अब कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे तुमसे बहुत घृणा करते हैं और तुम्हें इस बात का पता तक नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, तुम सबसे कितना प्रेम भाव रखते हो, किसी के प्रति तुम्हारे मन में कोई गलत भाव नहीं है, इसलिए मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चों में से एक हो। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ अवश्य लाऊंगा और तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं मैं एक एक करके दूर कर दूंगा। बस थोड़ी सबूरी रखो, मैं तुम्हारी सबूरी का फल भी तुम्हें जल्द ही दूंगा, और जितना तुमने सोचा है ना उससे भी कई गुना अधिक दूंगा। लेकिन अपने मन में कभी भी अहंकार को स्थान मत देना, हमेशा ज़रूरतमंद की मदद अवश्य करना। तुम्हारे पास जो है उसी से तुम मदद कर सकते हो, छोटी सी मदद भी कर सकते हो, बस तुम्हारे अंदर मदद करने का भाव होना चाहिए, तो छोटी से छोटी मदद भी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा यदि तुम किसी की मदद करते हो तो जब तुम्हें मदद की ज़रूरत होती है तो तुम्हारी भी मदद कोई ना कोई अवश्य कर देता है। तो बच्चे, वो मदद मैं ही तुम्हें भेजता हूँ, इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि उसने मेरी मदद नहीं की तो मैं क्यों करूँ। नहीं बच्चे, ऐसी भाव अपने मन में मत लाओ। अगर तुम किसी की मदद कर पा रहे हो तो उसकी मदद करने के लिए मैंने ही तुम्हें चुना है, और वो सब कुछ मेरी ही लीला होती है। इसलिए जितना तुमसे हो सके उतनी ज़रूरतमंद की मदद करो, क्योंकि जितनी तुम दूसरों की मदद या दान करोगे ना तो उससे कई गुना अधिक तुम्हें स्वयं मिलता चला जाएगा, और मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारी सबरी का फल भी अब देने जा रहा हूँ। इसलिए अब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में हर असंभव को संभव करने जा रहा हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें मैं अब वो देने जा रहा हूँ। हाँ बच्चे, अब इसे स्वीकार करो, मैं अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरने जा रहा हूँ। इसलिए सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।